हाल ही में एक दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत कई ऐसे तमाम खिलाड़ी थे जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे। इसी बीच एक पहलवान ने किसी एक आदमी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। खेल रत्न पुरस्कार के लिए अपना नाम नाकारे जाने पर डेप ओलंपियन वीरेंद्र सिंह अपने जज्बात नहीं रोक सके। गूंगा पहलवान के नाम से मशहूर वीरेंद्र ने कुश्ती में भारत को 3 डेप ओलंपिक गोल्ड जिताए हैं, जबकि भारत को उन्होंने कुल 5 मेडल दिलाए हैं। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित विजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान शानदार खेल रत्न नहीं जीतने पर निराशा व्यक्त की। बता दूं कि विजेंद्र अर्जुन पुरस्कार विजेता है। उन्होंने शिकायत करते हुए यह भी कहा है कि हरियाणा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप वीरेंद्र सिंह के इस ट्वीट में देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मैंने 5 ओलंपिक मेडल जीतने के बावजूद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। हरियाणा सरकार ने अपने नीति के अनुसार 8 करोड़ रुपए भी नहीं दिए हैं। मेरा एकमात्र अपराध यह है कि मैं एक मूकबधिर एथलीट हूँ। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए खिलाड़ियों की सराहना की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 के शानदार विजेताओं को बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां और अटूट समर्पण हमारे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने न केवल अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का झंडा भी ऊंचा उठाया है। भारतीय स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो दूसरी ओर भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले, शीतल देवी और अदिति गोपीचंद स्वामी और पहलवान अंतिम पंघल उन सितारों में शामिल थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। इन सभी के बीच वीरेंद्र सिंह का यह दर्द भरा ट्वीट काफी चर्चा में है। वैसे आपको क्या लगता है, वीरेंद्र सिंह को यह सम्मान मिलना चाहिए था या नहीं, कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।